बार्ट सोमवार की सुबह उत्तर प्रदेश के वाराणसी के बड़ागांव के पास पुलिस मुठभेड़ में मारे गए अपराधी रजनीश कुमार और मनीष कुमार दोनों सगा भाई का तार बार्ट से जुड़ा हुआ है। बार्ट के बेलछी प्रखंड के बाघाटीला गांव स्थित पंजाब नेशनल बैंक में दिनदहाड़े लूट की घटना को वारदात देते हुए 65 लाख रुपये लूटे थे और इस दौरान 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी और पुलिस को चकमा देकर तीनों भाई फरार चल रहा था। बड़ी मशक्कत के बाद तीनों की गिरफ्तारी हुई थी। मुठभेड़ में एक फरार ललन कुमार भी सगा भाई ही है। घटना के मुताबिक बार व्यवहार न्यायालय के कोर्ट हाजत से गत 8 सितंबर 2022 गुरुवार के दिन 3:15 के आसपास कोर्ट हाजत शौचालय के रोशनदान को तोड़कर रहस्यमय ढंग से फरार हो गया। हाजत के प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि कुछ देर के बाद घटना की जानकारी मिली तो देखा कि पीछे का दीवार टूटा हुआ है और 3 सगा भाई जो कि हत्या और लूट के मामले में विचाराधीन था जो कि फरार हो गया था। तीनों भाई रजनीश कुमार, ललन कुमार और मनीष कुमार तीनों सगा भाई है जो कि समस्तीपुर जिला के नंदगोलवा गांव का रहने वाला था जिसका डेट स्पीडी ट्रायल चल रहा था। तीनों भाइयों ने बेलछी थाना क्षेत्र के बाघाटीला गांव के पीएनबी बैंक शाखा के कैश बैंक को निशाना बनाते हुए 6 मार्च 2017 को अपराधियों ने लूट और हत्या की घटना को अंजाम दिया था जिसकी प्राथमिकी बेलछी थाना में दर्ज कराई गई थी। कांड संख्या 11/2017 है जिसका सेशन ट्रायल संख्या 713/2017 है। इस घटना में 60 लाख रुपये की कैश की लूट हुई थी। विरोध करने पर बैंक के गार्ड सुरेश सिंह खजुरार गांव निवासी, योगेश्वर पासवान उर्फ छोटेलाल गार्ड बाढ़ थाना के वहरामा गांव निवासी एवं वाहन के चालक अजीत यादव मालपुर घोसवारी थाना निवासी की गोली मारकर निर्मम हत्या करने के बाद हथियार लूट लिया था जिसके बाद तीनों अपराधी फरार चल रहा था जिसे तत्कालीन एसएसपी मनु महाराज के द्वारा बाढ़ थाना क्षेत्र के ही अनुमंडल मुख्यालय से सटे सीढ़ी गंगा घाट के पास एएसपी कार्यालय के बगल से एक निजी मकान से गिरफ्तार किया गया था। रोहनिया थाना क्षेत्र में भी इन लोगों ने सेम मॉडल से एक अपराध करने की कोशिश की थी जिसमें वहाँ पर एक पुलिस पदाधिकारी से हथियार छीना गया और उनको गोली मारी गई। सौभाग्य से वो बच गए हैं। इसके लिए रोहनिया थाना क्षेत्र में अभी तक जो प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार 404/22 एक केस दर्ज हुआ है जो अंतर्गत 307 और 394 धारा भारतीय दंड विधान की IPC के तहत ये कांड दर्ज किया गया है। इसी घटना के सिलसिले में वाराणसी कमिश्नरेट की पुलिस इन लोगों की तलाशी कर रही थी। इन लोगों की घेराबंदी की गई जिसमें दोनों तरफ से फायरिंग होने की सूचना है। इसमें एक पुलिस के जवान आरक्षी शिवबाबू के घायल होने की भी सूचना हम लोगों को मिल रही है। लेकिन ये सारी सूचनाएं मीडिया, व्हाट्सएप और जो हम लोगों के फ़ोन के माध्यम से करस्पॉन्डेंस हो रहे हैं इसके माध्यम से हम लोगों को मिली हुई है। अभी हम लोगों को ये सूचना मिल रही है कि इसमें इस मुठभेड़ में रजनीश और मनीष दो लोगों को इलाज के लिए ले जाने की सूचना हम लोगों को मिली थी। रिसेंट सूचना के अनुसार इन दो लोगों का देहांत हो गया है। ललन जो भाई हैं जो भी एक कुख्यात अपराधी हैं वो अभी तक फरार चल रहे हैं। उनके बारे में उनके वेयर अबाउट और उनको ट्रेस करने के लिए हम लोग बनारस पुलिस के साथ संपर्क में हैं, बिहार पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ संपर्क में है और जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी उसके लिए हम लोग यहाँ से भी पदाधिकारी भेजेंगे और इसके लिए संबंधित जो न्यायालय हैं और जो पदाधिकारी हैं उनको हम लोग ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस से सूचित कर रहे हैं। थैंक यू।